पंजाब 56 कंपनी स्कैंडल, वजीर आला उस्मान बुजार इन एक्शन। पंजाब की मजीद 30 कंपनीज को बंद करने का फैसला। डेढ़ साल से 14 कंपनीज बंद हो चुकी। लाहौर वाटर एंड सैनिटेशन, पंजाब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पंजाब कूल पावर कंपनी लिमिटेड, कायद आजम विंड पावर कंपनी, कायद आजम हाइड्रल पावर और रिसोर्सेबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड और दीगर कंपनीज बंद। गुड गवर्नेंस के दावेदारों ने खजाने को नुकसान पहुंचाया, वजीर आला उस्मान बुजदार का ट्वीट। दस रोज में 3 मरीजों की हलाकतें। शेख सैद अस्पताल में जिगर की पेवनकारी रोक दी गई। 2 मरीज और 1 डोनर जान की बाजी हार गया। पाकिस्तान ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की जानिब से पेवनकारी को रोकने के लिए चेयरमैन शेख सैद अस्पताल को मुरासला जारी। ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन के खात्मे और जरासीम की रोकथाम के लिए आलमी मेयार के मुताबिक इकदाम करने की हदायत। कोरोना वायरस फैलने का खदशा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। चीन के साथ बरह रास्त परवाजें 2 फरवरी तक मुअत्तल रहेंगी। सिविल एविएशन के तमाम एयरपोर्ट्स मैंसर को एहकाम। कोरोना वायरस के बचाव के लिए हंगामी इकदाम। हिफाजती साजो सामान बैरून मुल्क भेजने पर पाबंदी आयद। मास्क, दस्ताने, गाउन और फेस शील्ड बैरून मुल्क नहीं भिजवा सकते। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मरासला। कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर काम ठप। चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स को कोरोना टेस्ट करने का अमल जारी। मनावा कैंप में कोई चीनी बाशिंदा वायरस का शिकार नहीं। ईएमई कैंप की रिपोर्ट स्पीड तक मुकम्मल होंगी। मंगल से ठोकर न्यासवे कैंप में टेस्ट शुरू किए जाएंगे। स्क्रीनिंग के 22 मजीद 1 हफ्ता काम बंद रहेगा। एसओपीज के मुताबिक कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी के जेर सदारत इजलास। कोरोना वायरस के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। मुल्क में कोरोना वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सेक्रेटरी हेल्थ की ब्रीफिंग। इत्तेहादी का जो मकसद होता है वो हुकूमत को सपोर्ट करना और इत्तेहादी को अपना समझ के चलना जो है वो ही सूदमंद होता है और इत्तेहादियों को सौतन के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। इत्तेहादियों को सौतन ना समझे, चाहते हैं कि हुकूमत चले और मुद्दत पूरी करे। अगर हुकूमत को नुकसान पहुंचा तो हमें भी पहुंचेगा। काफ लीग का वजीर आजम की कायम करदा कमेटी पर रद्दअमल। पहली कमेटी से मामला बेहतर होने लगे थे। समझ नहीं आती कि एक कमेटी बनती है तो दूसरी डाली जाती है। हमने भी कमेटी डाली है जो अभी नहीं निकली। हमसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से CPNA के वक्त से मुलाकात। हुकूमत अपने इत्तेहादियों से क्यों मामला सबूताज कर रही है, मोनस इलाही का ट्वीट। बुज़दार सरकार पर तब्दीली के सिया बादल छट ना सके। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा की PTI के नाराज अरकान से राबतों की तस्दीक। कहते हैं करप्ट हुक्मरानों से आवाम को निजात दिलाने जा रहे हैं। नाराज अरकान से बातचीत चल रही है। ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह जमहूरी लोगों के हाथों ही होगा। हुकूमती मामलात बेहतर बनाने का टास्क। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इंतजामिया और सियासी टीम को एक मेज पर बिठा दिया। 16 माह में किसी स्कैंडल का सामने ना आना शफाफियत की दलील है। वज़रा और अफसरान अपनी तवानाई सूबे के अवाम की बेहतरी और खुशहाली पर सर्फ करें। सर्विस डिलीवरी के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। अवाम के मसाइल के हल के लिए सियासी और इंतजामी टीम एक पेज पर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब, वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और IG के एजाज में तकरीर।
महंगाई से सहमे आवाम पर एक और ऑफर, सरकार डीजल बम गिराने के लिए तैयार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए से 47 पैसे महंगा करने की तजवीज, लाइट डीजल 1 रुपए 10 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। शहरियों के लिए अनोखा रिलीफ, पेट्रोल 6 पैसे और मिट्टी का तेल 66 पैसे फी लीटर सस्ता करने पर गौर। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को हर साल वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज होगा। होशुबा महंगाई में कुछ रिलीफ, LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी, जबकि ओगरा ने LPG की नई कीमत 142 रुपए किलो मुकर्रर कर दी। घरेलू सिलेंडर 111 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 454 रुपए सस्ता। चक्कियों को सरकारी कोटे पर गंदम की फरहमी का दावा गलत निकला। 3000 से सिर्फ 45 चक्कियों को सरकारी कोटे से गंदम फराहम की गई। गंदम का सरकारी कोटा फराहम ना करने पर चक्की मालिकान डट गए। 10वें रोज भी हड़ताल जारी, शहरी देसी आटे की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। गंदम बहरान के मामले पर क्या इंक्वायरी हुई? हाईकोर्ट ने इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली। आटे और गंदम के बहरान पर वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी। गंदम के टास्क बरामद, स्टॉक बरामद और दरामद के बारे में रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट 6 फरवरी को केस की समाप्त करेंगे। ताज़ा सब्जियां और फल घर बैठे मंगवाएं, शहर में होम डिलीवरी सर्विस का फाल। शहरी बगैर डिलीवरी चार्जेस की अशिया खुरनोश घर में मंगवा सकेंगे। PIT बोर्ड की जानिब से लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान में सर्विस का आगाज हो गया। हड़ताल न करें, एक हफ्ते की मोहलत दें, हुकूमत की अपील। ट्रांसपोर्टर्स का कल मुल्क भर में पहिया जाम करने का फैसला मुलतवी। पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस और हुकूमती वफ्द में मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत को दी गई डेडलाइन का आज आखिरी रोज था। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में पहिया जाम और भूख हड़ताल करेंगे चेयरमैन पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस। शहर की सफाई सुथराई और कूड़ा उठाने का मामला, एल्बरॉक से मुआहदे में 1 महीने की तौसी। नई बोली, यकुम फरवरी की बजाय 3 फरवरी को होगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड के बंद करने इजलास में चेयरमैन रियाज हमीद चौधरी ने मंजूरी दे दी। 3 फरवरी को 252 यूनियन काउंसिल्स में सफाई की नीलामी की जाएगी। मुतमईन किया जाए कि नवाज शरीफ की हालत सफर के काबिल नहीं। एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत। अदालत का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 फरवरी तक तौसी। नैब ने रेफरेंस दायर करने से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करवा दी। मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 फरवरी तक तौसी। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल केस की समाअत। शहबाज शरीफ का नुमाइंदा पेश न होने पर अदालत बरहम। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद नवाज कहाँ हैं? अगर पहली आवाज पर अदालत पेश नहीं हो सकते तो नुमाइंदे ना बने, अदालत के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की नैब के 3 गवाहों पर जिरा। साबिक DGLDA आहद चीमा और नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी पेश हुए। नंबर प्लेट्स और कागजात जारी ना करने का केस, नई नंबर प्लेट्स कब से जारी होना शुरू हो जाएंगी? चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का इस्तफसार, 6 माह दरकार होंगे। सेक्रेटरी एक्साइज वजीउल्ला कुंडी का जवाब, अगर मालिक गाड़ी नहीं चला रहा तो ई चालान उसको क्यों जाए? अदालत ने ई चालान के तलाक और कारकर्दगी पर सेफ सिटी अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। नंबर प्लेट और कागजात जारी करने के हवाले से भी रिपोर्ट्स मंगवा ली। साफ पानी फराहम करो, दरोगावाला UC 144 के मकीन सड़कों पर आ गए। साफ पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज, पानी ना मिलने से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए। बार बार शिकायत दर्ज करवाई मगर किसी ने एक ना सुनी, जाएं तो किधर जाएं, मुजाहिरीन की दुहाई। आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा।
जनरल हॉस्पिटल में 34 करोड़ रुपए की लागत से जदीद ब्रेन एंजियोग्राफी मशीन नस्ब। ब्रेन हेमरेज और फालिज के मरीजों का जदीद तरीन इलाज मुआलजा हो सकेगा। डॉक्टर उमैर रशीद का कहना है कि हमारे पास अमले और फंड्स की कमी है, एक साल के लिए 1 करोड़ रुपए मिल जाएं तो 24 घंटे सेंटर चला सकेंगे। वर्कर्स वेलफेयर फंड एम्प्लॉयर्स यूनियन के अहदेदारों की हलफबरदारी की तकरीब, टीचिंग स्टाफ और लेबर कॉलोनीज के मकीनों की भरपूर शिरकत। नौ मुंतखब अहदेदारान का कहना था कि वो वर्कर वेलफेयर फंड के तहत जेर इल्तवा केसेस को हल करवाएंगे। डिफेंस लेबर कॉलोनी पर कब्जा माफिया के खिलाफ अफसरान बाला तक पहुँचाएंगे। जेर इल्तवा मुकदमात को वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत हल करवाया जाएगा। नौ मुंतखब अहदेदारों का खिताब। और जिमखाना के इंतखाबात के लिए कल मैदान सजेगा। चेयरमैनशिप के लिए कामरान लाशारी और डॉक्टर जवाद साजिद के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक। आज़ाद उम्मीदवार सैयद आबिद हुसैन, डॉक्टर शौकत अली, गुलाम सरवर, मोहम्मद शम्स कैसर, खालिद सईद भी मैदान में। 12,110 मेंबरान अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात की रोकथाम, सिविल सोसाइटी और सुकेरी मामा की जानिब से लिबर्टी चौक में आगाही वॉक। बच्चों से ज्यादती के मुजरिमान को फांसी देने का मुतालबा। खवातीन और बच्चों की बाजू पर से आपत्तियां बांधकर शिरकत। तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम के लिए मुजरिमान को सख्त सजाएं दी जाएं। मकतूल जैनब के वालिद का मुतालबा। सत्तावनवीं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले, मेन सिंगल्स में मुराद अली और वुमेन सिंगल्स में माहूर शहजाद ने मैदान मार लिया। 5 रोजा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई की। खिलाड़ियों का बैडमिंटन के फरोग के लिए हुकूमत ने फंड्स जारी करने की अपील। फाते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। मकबूजा वादी मांग रही है आज़ादी। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बागवानपुरा में मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए वॉक का अहतमाम। चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ब्राय दाखला और रुकने पंजाब असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा की खसूसी शिरकत। तालिबात ने कश्मीरी आवाम पर भारतीय मजालिम की भरपूर मजम्मत की। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अलहमरा में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए ड्रामा पेश। रुकन पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राणा की खसूसी शिरकत। ड्रामा की कहानी निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर मबनी। ऑल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा।